तो कैसे आप लोग तो दोस्तों कल की वीडियो के अंदर मैंने जैसे कि यार आप लोगों को बोला था कि भाई गेम चेंजर 5 गेम की जो वर्जन 3 का अपडेट आने वाला उसकी रिलीज डेट भाई एक हिंट मिल जाएगा हमें जो कि मिल चुका और काफी सारे लोगों को पता चल चुका जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। एंड इसके साथ में भाई रियल क्रिकेट 24 गेम का जो अपडेट लॉन्च हुआ है उसके भाई कुछ हिडन एंड फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ भाई आपको मैं चीजें ऐसी बताऊंगा कि आपको सुनना बहुत जरूरी है जो कि रियल क्रिकेट 24 लवर्स और जो गेमर्स है उनके लिए भाई ज्यादा जरूरी है। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए भाई एंड तक जरूर से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही खास है भाई, खास करके भाई रियल क्रिकेट 24 गेमर्स के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सारे वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन गोल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार मैं आप सभी को जो है तहे दिल से भाई थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भाई आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि हम जो है भाई 9000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रखना, आगे चल के हम और कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वह रियल क्रिकेट 24 गेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कल जो है रियल क्रिकेट 24 गेम का आई थिंक दोपहर के टाइम एक अपडेट लॉन्च हुआ था जो कि 164 MB या फिर 67 MB के लगभग था, 150 MB के। तो वहाँ पर भाई मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दी थी बट रिव्यू वीडियो नहीं डाली थी। तो वहाँ पर जो है बर्ड्स में भाई पॉलिसी अपडेट्स की गई थी और स्टेबिलिटी गेम की इंप्रूवमेंट की गई थी और साथ में जो गेम के अंदर जो बक्स वगैरह थे क्रिटिकल बक्स वो फिक्स किए गए थे। वही सबसे ज़्यादा भाई जो पॉलिसी अपडेट्स हुई थी ये पढ़ने के बाद मेरा भी भाई माइंड मतलब घूम गया था भाई क्या पॉलिसी गेम के अंदर चेंज हो गई, बट इससे रिलेटेड तो कुछ मिला नहीं है। बट दोस्तों एक चीज़ जो भाई मुझे पता चली है और क्या चेंज हुआ है, कुछ हिडन फीचर्स नहीं है, फीचर्स तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो रियल क्रिकेट 24 गेम का अपडेट आया है तब से भाई काफ़ी सारे बंदों की जो है आईडी बैन हो चुकी है। जी दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मेरे पास भाई जैसे ही मैंने अपडेट किया, मतलब मैंने तो अपडेट किया जैसे कि आपको पता ही है, और काफ़ी सारे जो बंदे हैं उनने अपडेट किया। और भाई जो लोग इल्लीगल चीज़ यूज़ कर रहे थे गेम के अंदर, यानी कि कुछ हैक्स वगैरह यूज़ कर रहे थे गेम के अंदर, उनकी भाई आईडी बैन हो चुकी है। तो यही भाई पॉलिसी अपडेट्स है जो मेंशन किया था कंपनी ने बर्ड्स नो में, भाई यही पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब भाई लोग अगर आप लोग रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर कुछ भी भाई छेड़खानी करते हो, जैसे भाई अगर आप हैक और कुछ भी जो इल्लीगल एक्टिविटी यूज़ करोगे तो भाई आपकी आईडी तुरंत से पहले बैन हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि भाई लोग आप चाहूँगा कि भाई रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर आप कुछ भी इल्लीगल चीज़ यूज़ मत करो, यानी कि कोई भी हैक्स वगैरह यूज़ मत करो, कुछ भी भाई इल्लीगल एक्टिविटी यूज़ मत करो। अब आपकी जो आईडी बहुत ही जल्दी बैन होने वाली है और आपको अब तक पता चल गया होगा भाई काफ़ी सारे बंदों की ऑलरेडी आईडी बैन हो चुकी है अपडेट आने के बाद। तो आप अगर आपके मोबाइल में भाई कुछ ऐसे हैक्स और जो फाइल्स वगैरह डली हैं रियल क्रिकेट 24 गेम की, तो भाई सबसे पहले वो डिलीट कर दो और आप जो आप इस चीज़ को दोबारा मत करना, यानी कि अगर आपके पास है तो आप डिलीट कर दो और भाई यूज़ मत करो कोई भी जो हैक्स वगैरह हैं रियल क्रिकेट 24 गेम की, तो वो भाई आप लोग यूज़ मत करो वरना आपकी आईडी जो है भाई परमानेंटली बैन हो सकती है। और आपको यकीन नहीं तो भाई आप लोग जो है चेक कर सकते हो, भाई काफ़ी सारे कमेंट्स में भी भाई मुझे भी मैसेज आया, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी आईडी बैन हो चुकी है। तो भाई इसका यही रीज़न है कि आप अगर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी यूज़ करोगे रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर, कुछ हैक्स वगैरह यूज़ करोगे तो आपकी जो आईडी बैन होने वाली हो, यही जो है पॉलिसी वगैरह अपडेट्स की गई थी तो यही कुछ चेंज हुआ। और इसके साथ में भाई गेम के अंदर कुछ जो पोस्टर वगैरह जो बैनर्स वगैरह होते हैं जो स्पॉन्सर्स बहुत सारे यहाँ पर गेम के अंदर चेंज किए गए, और इसके अलावा भाई अपडेट्स के अंदर और कुछ भी हमें देखने नहीं मिला। तो बस मेन चीज़ भाई आप एक चीज़ याद रखना, अब आप जो हैक वगैरह यूज़ मत करना रियल क्रिकेट 24 गेम के वरना आपकी आईडी बैन हो जाएगी। और भाई अब बात कर लेते हैं हम सेकंड न्यूज़ यानी कि भाई गेम चेंजर 5 के अपडेट के बारे में। जी दोस्तों तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको आज जो है गेम चेंजर 5 के वर्जन 3 के अपडेट से रिलेटेड यानी कि रिलीज डेट से रिलेटेड उसका एक हिंट मिलने वाला है गेम चेंजर 5 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो डलने वाली। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी वीडियो डल चुकी है और आप में से काफ़ी लोगों को पता ही कि भाई गेम जो है अगस्त के मंथ में आने वाला, भाई ने ऑफिशियली वीडियो में बता दिया कि अगस्त के मंथ में मैं जो है गेम का जो अपडेट है वो रिलीज़ करने वाला हूँ। बट दोस्तों अब काफ़ी सारे लोग भाई ऐसे भी मैसेज कर रहे थे भाई कुछ कंफर्म डेट बताओ, ऐसा कुछ फलाना ढिमकाना। तो भाई देखो कंफर्म डेट तो बाकी जो भाई ने ग्रुप में लिखा था बट कन्फर्म डेट नहीं होगी, तो भाई यही था इस वजह से भाई ने लिखा था कि भाई ने कन्फर्म डेट अभी भी तय नहीं की, बट हाँ इतना कन्फर्म है कि भाई अगस्त में रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो है एक डेट बताना चाहूँगा। जी दोस्तों 14 अगस्त। अब भाई आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों,
तो भाई जो गेम चेंजर 5 गेम है ना, वो भाई पाकिस्तान के जो भाई है वो बना रहे हैं। तो आप लोग जानते हो भाई 14 अगस्त को भाई इंडिपेंडेंस डे है, तो उस दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, तो भाई उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पाकिस्तान का भाई है तो उनके दिन ही लॉन्च करेगा। और हो सकता है मैं भी दोस्तों 15 अगस्त 14 अगस्त इन दो दिनों में से यहाँ पर इंडिया के लिए भी कर सकता, और दोनों मतलब 14 से 15 अगस्त मेरे ख्याल से दोस्तों मुझे लग रहा है ये दो दिन में आपको गेम ज़्यादातर आ जाएगा। बाकी डेट कोई कन्फर्म नहीं, मैं अपने हिसाब से अपना प्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई 14 अगस्त को ज़्यादा हाई चांसेस है गेम आपको मिल सकता है। बाकी अगर डेट फिक्स होगी तो वो भी हमें काफ़ी जल्दी भाई की तरफ से ऑफिशियली कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में तरफ बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए भाई बाय बाय, गुड बाय, सैन बंद मातरम।